नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे व्यूवर्स ने दोस्तों ये वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा कि एक्चुअली वीडियो दोस्तों किन के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। या दोस्तों आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग का नाम सुन के यहाँ पे क्लिक किया है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग आज न्यूज मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त भाविन लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली बात यह है कि आज गूगल की ओर से काफ़ी इंफॉर्मेशन न्यूज़ आए हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके ऑफिशियली पेज पे भी दोस्तों अनाउंस हो गया है। सो एक्चुअली दोस्तों ये मतलब जो भी कॉल रिकॉर्डिंग वाली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो दोस्तों आने वाले दिनों में बैन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मेन रीज़न दोस्तों इनका एक्चुअली ये है कि सिक्योरिटी रीज़न। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम अनवांटेड किसी का भी कॉल हम रिकॉर्ड करते हैं या तो हमारी परमिशन के बिना जब दोस्तों कोई अपना कॉल रिकॉर्ड करता है ना, तब हमें मतलब बुरा लगता है। बट हम दोस्तों किसी का भी कॉल रिकॉर्ड करते तब हमें अच्छा लगता है। और ये एक मतलब कोई भी ह्यूमन के अंदर ये चीज़ दोस्तों होती है। सो यूरोपियन कंट्री की दोस्तों बात करें ना, तो यूरोपियन कंट्री के अंदर काफ़ी सारे मतलब आउट ऑफ इंडिया में कंट्रीज ऐसी है, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की, यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो तो अगर आप उनका वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो या तो कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उनको दोस्तों एक अनाउंसमेंट जाता है ताकि सामने वाले को दोस्तों पता चले कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। और दोस्तों ये चीज़ होनी चाहिए, और इसलिए शायद अपने इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट फिर भी गूगल ने दोस्तों ये चीज़ अपनाई है। और ऑलमोस्ट फ़ोन के अंदर एक सैमसंग है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, और जिसमें भी मतलब जो भी ब्रांड्स के फ़ोन आते हैं उसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर है तो इट्स ओके। अदरवाइज दोस्तों आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो प्ले स्टोर से 11 मई 2022 यानी कि आने वाली 11 तारीख को दोस्तों ये प्ले स्टोर में से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली गूगल से अनाउंस हुआ है। एंड देन दोस्तों उसकी बात करें तो ट्रू कॉलर ने भी दोस्तों ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उनका जो ये कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर है उसको काफ़ी जल्द दोस्तों डिलीट कर देने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों ये वीडियो बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम किसी का भी कॉल दोस्तों रिकॉर्ड करते हैं, कोई हमारा करता है, सो मतलब आईटी रूल के हिसाब से भी दोस्तों देखने जाए तो सामने वाले को और अपने को पता होना चाहिए कि हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि दोस्तों जो ये इन दिनों मतलब जितने भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे वो ना हो। और ब्लैकमेलिंग, यू नो दोस्तों आप लोग समझते हो कि आज मतलब कोई भी मतलब किसी के भी पर्सनल टॉक होती है तो वो रिकॉर्ड होती है एंड देन वायरल होती है, और दोस्तों हम लोग उसे बड़े शौक से शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सुनते भी हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी की भी प्राइवेट बातें अगर आती है तो हम रिपोर्ट करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं, बट उसको स्प्रेड नहीं कीजिए। और दोस्तों गूगल डायलर में भी ये जो अनाउंसमेंट है वो ऑप्शन है वो बेस्ट है, हालांकि काफ़ी सारे टूल्स और काफ़ी सारी ट्रिक्स की वजह से दोस्तों ये मतलब अनाउंसमेंट नहीं जाता है। बट दोस्तों ऐसा हमें एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है, हमें मतलब क्या रिक्वायर्ड है कि कॉल रिकॉर्ड करना है, सामने वाले को बताना भी नहीं। अगर वो भी दोस्तों बात कर रहा है तो ठीक है, बट आप दोस्तों प्लीज़ बी सेफ एंड बी केयरफुल। और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे दोस्तों चैनल पे नए हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे ये चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगते हैं और आपके लिए ही है, सो दोस्तों एंड देन आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले मैसेज आपको मिलता रहे। और दोस्तों मेरे अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।